हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे IGPL और IG पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ लगभग 806.75 रुपए में। आपका लो गया था 800.10 और हाई गया था 849.55। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 2485.76 करोड़। पीई रेशियो है आपका 8.83 और इस शेयर के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 127.81 करोड़। मतलब इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.16। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और ये आपके एक से कम ही है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है आपका 1.16। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। कंपनी के पास अभी आपका कैश है 43.48 करोड़। प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 68.74%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 68.74% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। अर्निंग पर शेयर है आपका 91.46, रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.10% जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओसीई आपका 30.24%, ये भी बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में इस साल में हुआ है आपका 800.57%, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका रिजल्ट भी देख लेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है। ओके, अभी देखिए स्क्रीन पे मैंने इसका जो आपका क्वार्टरली रिजल्ट अभी निकला है 1 नवंबर को, वो आपका ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखें टॉप लाइन बढ़ा है कितना, 94.37% बढ़ के हुआ है आपका 4710.84 मिलियन इस सितंबर क्वार्टर में, जो पहले मतलब आपका लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 2423.64 मिलियन। ठीक है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का अभी हुआ बढ़ा है कितना, 180.50% बढ़ के हुआ है 657.52 मिलियन, जो इसी क्वार्टर में मतलब सॉरी इसी साल में प्रीवियस क्वार्टर में था आपका 234.41 मिलियन। ओके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपका बढ़ के हुआ है 1002.20 मिलियन, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 428.01 मिलियन। ठीक है, तो हम लोगों को जो रिटेल रिजल्ट देखा क्वार्टरली ये बहुत ही अच्छा देखा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अभी स्क्रीन पे मैंने एक आपका डेटा ओपन कर लिया, इसके हिसाब से देखिए सितंबर महीने का डेटा के हिसाब से अजय उपाध्याय शेयर इस शेयर में 26.23 करोड़ का होल्डिंग करके रखा है। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये शेयर अभी गिर रहा है। ठीक है, 2-3 दिन से गिर रहा है ये शेयर आपका, लेकिन एक अप ट्रेंड में। देखिए ये शेयर आपका अगस्त महीने में था आपका 514.15 रुपया, अभी गिर के अभी ट्रेड कर रहा है 806 रुपए में, मतलब एक अप ट्रेंड हम लोगों को दिखाई पड़ा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगाओ चार्ट में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर लगाओ चार्ट में सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल दिया है, RSI भी नीचे की तरफ है और आपका MACD भी 0 पॉइंट से नीचे ही, और आपका लास्ट 2 दिन से यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, मतलब नेगेटिव हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। देखिए अभी मैंने इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट ओपन कर लिया, वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखिए ये शेयर आपका लगभग मार्च में चल रहा था पिछले साल 82 के करीब, मतलब कितना गुना बढ़ा है देख लीजिए आप, अभी चल रहा है 806। ये शेयर गिरा था इस पोजिशन में लगभग 777 के करीब। ठीक है, तब से ऐसा नीचे आया फिर अभी ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो एक स्ट्रॉन्ग आपका रेसिस्टेंट लेवल है वो आपका लगभग है 770 या 780 पकड़ लीजिए, और अभी जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड करा है उसी जो रेसिस्टेंट लेवल है उससे ऊपर ट्रेड करा, तो ये एक अच्छा बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया, उसके बाद भी लास्ट जो दो वीक है उसमें भी आपका वो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन अच्छा बात ये है कि देखिए ये जो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ ये इसके अंदर मतलब इसका जो आपका लो है इसको तोड़ नहीं पाया, एक
दूसरा यह पे मैंने क्या किया, पिवोट पॉइंट बोल के एक इंडिकेटर है वो भी लगा लिया, पिवोट पॉइंट का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ नहीं पाया। RSI भी देखिए अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में हम लोगों को एक एवरेज दिख रहा है, कुछ उतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है, उतना बुरा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि शेयर गिर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। तो देखिए अभी मैंने इसका मंथली चार्ट ओपन कर लिया है, अगर ध्यान से देखिएगा ए पॉइंट पे, मतलब ए था आपका पिछले साल अगस्त का महीना, यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया, तब से इसे लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। हाँ बीच में थोड़ा बहुत महीने में यहाँ पे आपका नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन मेन पॉइंट है कि देखिए ए शेयर आपका ऊपर की तरफ भागा है और अभी उस टाइम में ए शेयर ट्रेड कर रहा था आपका लगभग 163, अभी ए शेयर ट्रेड कर रहा है 800 से ऊपर। मतलब हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्टन दिख रहा है मंथली चार्ट के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए RSI अबव 60 और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, लेकिन मेरे मतलब हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे मंथली चार्ट में आपका पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है और इसका जो फंडामेंटल चेक किया वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, इस प्राइस में इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब ये सही एंट्री पॉइंट है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है, लेकिन अगर डीप में आप लोग खरीदेंगे तो आप इसका जो फंडामेंटल है और जो जो चार्ट बोल रहा है कि आप लोग प्रॉफिट करने का चांस बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अगर 750 से 770 के बीच में आप लोगों को मिले तो उस टाइम पे खरीदना सही होगा, लेकिन आप इसी भी टाइम पे खरीदेंगे तो आप लोगों को मुझे जो लगता है कि शेयर आपका 3 से 4 महीने के अंदर 1000 का जो लेवल है वो एक बार टच करेगा। लेकिन देखिए अगर ये शेयर आप लोगों को डीप में मिले और डीप में आप लोग थोड़ा सा खरीदते तो आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम मैं बोलता हूं कि देखिए किसी भी शेयर खरीदने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल साथ साथ आपका टेक्निकल भी देखना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल सही है तो शेयर आपका ऊपर जाएगा, लेकिन टेक्निकल हम लोगों को बताता है कि सही एंट्री पॉइंट कौन सा है। तो मुझे लगता है कि सही एंट्री पॉइंट थोड़ा डीप में होगा, जो लेवल होगा आपका 770 और 750 के बीच में। और कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबिलिटी पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स देता नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल और फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।